हमें नहीं चाहिए किसी की सलाह और न ही किसी तरह का हंसी मजाक। ये हमारे घर की रस्म है और हमारे हिसाब से होगी, बस बात खत्म। शर्त याद है ना कार्तिक, अगर तुम गेम्स में हमारी बहन से हार गए तो तुम वो सब करोगे जो हम कहेंगे। हाँ, पर वो तो तब होगा ना जब मैं हारूंगा। और तुम लोगों को तो अपनी शर्त याद है ना, अगर नायरा हारे तो तुम सब वो करोगे जो मैं कहूँगा। कर लेंगे, और बच्चू उसके ना चांसेस बहुत कम है। ओके, कहाँ गए जीजा जी? लगता है उनको नायरा दी गई होंगी। आजा किट्टू, आओ नायरा, आओ बेटा, बैठो किट्टू, आजा। ये रस्में हमारे बड़े बूढ़ों ने बहुत सोच समझ के बनाई है, तो इन्हें पूरी श्रद्धा और मन से करना। कार्तिक, माफ कर दो प्लीज। बिल्कुल नहीं। लाओ थालियां ले आओ। नायरा, तुम्हें थाल गिनने हैं। एक थाली को दूसरे से अलग करना है बिना आवाज के। बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं, क्या कर रहे हो तुम? चलो थाल रखो, यहाँ संभाल के रखो। चलो फिर शुरू करो। कम ऑन नायरा, नायरा आराम से, आवाज नहीं आनी चाहिए। वाह, बहुत अच्छे से किया। ये लो रसम पूरी करने का ये शगुन, लो। डैडी, पर काउंटिंग तो कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है? इसमें महत्व गिनने का नहीं है बेटा, गिनते समय तुम आवाज करते हो या नहीं इसका महत्व है। उससे क्या होता है? बेटा, थालियाँ गिनते हुए आवाज जितनी कम होगी ना, मतलब घर की बात उतनी कम बाहर जाएगी। नायरा ने कोई आवाज नहीं की, इसका मतलब वो घर की बात घर में ही रखेगी। दीदी, तुम परफेक्ट स्कोर कर लिया। अब अकेले भी इसमें दौड़कर तो कोई भी जीत जाएगा। मेरी बारी आने दो, दिखाता हूँ तुम्हारे। किट्टू, फोन पे किससे बात कर रहे हो बेटा? अब किसी से नहीं, वो मेरे ससुराल वालों से, मेरा मतलब नायरा के घर वालों से। एक्चुअली वो सारी गेम्स में एक टीम बनकर उसकी तरफ से उसका हौसला बढ़ा रहे थे। क्या कार्तिक, अब नायरा के घर वाले तो हम हैं, तो उसका हौसला भी हम ही बढ़ाएंगे ना, है ना माँ जी? दादी, अब क्या सब सिर्फ नायरा से करवाओगी? मुझसे कुछ नहीं। अगली रसम, नायरा ये आटे की लोई लो, इससे तुम्हें गौ माता के भोग के लिए रोटी बनानी है एक हाथ से। लेकिन याद रहे, ना तुम बेलन का इस्तेमाल कर सकती हो, ना आटे को कहीं जमीन पे या थाली पे रख सकती हो। तो सोचो कैसे बनाओगी। अपना हाथ आगे ला, लाओ ना। ओ रंगे हैं दोनों के दिल, ना जाने कब से प्यार में, दोनों के सपने बस रखियो के द्वार
अब प्यार की नई डगर है, अब प्यार का नया सफर है। रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रस्म सच में ही बहुत मायने रखती है, बिना कहे हमें कितना कुछ समझा जाती है। जो काम मैं अकेले नहीं कर सकी वो हम दोनों साथ मिलकर कर सकते हैं, ये सीखा आज मैंने इस रस्म से। अरे वाह नायरा, तुमने तो कमाल कर दिया। ये रस्म तो हम भी हार गए थे और हमारी सारी बहुएं भी। तुमने जीत के हमें खुश कर दिया नायरा, और सिर्फ कार्तिक ही नहीं, हम सब भी तुम्हारी ताकत है। ये नया परिवार ही आज से तुम्हारा परिवार है, और इसके रहते तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दादी मैं जा रहा हूँ, बाय। क्यों? क्यों मतलब क्या, आप सारे रस्म नायरा से ही करवा रहे हो, पता नहीं मुझे क्यों बुला दिया। मैं जा रहा हूँ सोने, बाय। अरे एक मिनट, करवा रहे ना कार्तिक, इतने बेसब्र मत हो। ये जो दूध रखा है ना सामने, इसमें एक अंगूठी है, और वो अंगूठी तुम दोनों को ढूंढनी है। जो पहले ढूंढ लेगा वो विनर कहलाएगा। यार इसमें तो मेरा बेटा जीत जाएगा पक्का। तू चलो ढूंढो जल्दी। किट्टू तुम्हें नायरा की ही बात माननी पड़ेगी। वेरी गुड नायरा। अब वो तो मैं वैसे भी मानता हूँ हमेशा। अभी और भी ज्यादा मानेंगे, भाभी जो कहेंगी वही करेंगे, है ना भाभी? कहा था ना तुमसे कि नायरा ही जीतेगी। नायरा ये तो बेस्ट। किट्टू बेटा अगर तुम फोन बंद कर दो तो तुम्हारा ध्यान वही लगा रहेगा जहाँ लगना चाहिए। बातें बाद में कर लेना ना। अरे इट्स ओके ना दादी, कोई बात नहीं। अगर नो जी, अपनी नायरा दी तो सच में पराई हो गई। मिष्टी ऐसे नहीं कहते, मायके वाले भले ही अपनी बेटियों को भुला दे लेकिन बेटियां हमेशा अपने मायके वालों से जुड़ी रहती है, कभी पराई नहीं होती। चलो अब लास्ट रस्म करते हैं, उसके बाद कुछ और फन करेंगे। पर मासी लास्ट रस्म है क्या? इसमें भाभी अपने देवर की पिटाई करती है। नायरा भाभी का देवर है कौन? तुम दोनों। नो, हमने कभी आपको परेशान किया है क्या नायरा भाभी? अरे बेटा क्यों घबरा रहे हो, नीम की डाली से थोड़ा सा छूना भरा है बस। पर क्यों? पिता ऐसा कहते हैं देवर हमेशा भाभियों के लाडले होते हैं, और खास कर जब वो इतने छोटे और प्यारे हो तब, तो उनकी प्यार को किसी की नजर न लगे इसलिए ये करते हैं। ये सही है, जो क्यूट है उसको मारो। अरे कम ऑन लव कुश, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। वैसे लव कुश इसमें ट्रिक भी कर सकते हैं। क्या? तुम्हारी भाभी आंखों में पट्टी बांध के तुम्हें मारने आएगी, तो उनसे बचने के लिए तुम भाग लेना। लगी तो लगी, बच गए तो बच गए। नूडल्स का तो बराबर मंचूरियन बना रहा है, हमेशा हड्डी बनते हैं हमारे कबाब, बचने नहीं चाहिए बिल्कुल। खराब होना था पता है। ओके फाइन, ये चलेगा। तो भाभी की आइस पे हम मारेंगे पट्टी, बहुत टाइट वाली। मंजूर। नवकुश भागो,
ऑल द बेस्ट नायरा। कम ऑन, अरे कम ऑन नायरा, मारो अदित्य जी, वो मैं मैंने गलती से, आई एम सॉरी। इट्स ओके, बच गया, लकी नहीं, लकी नहीं। बस बस हो गई सारी रस्में, अब आप लोग जाके आराम कीजिए, महिलाएं आती होगी मुंह दिखाई के लिए। आइए आदित्य जी, चलिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।